गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुधाकर सिंह, आप सभी लोगों का संदेश विद रवि सिंह ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को सुबह का नमस्कार भी है। दोस्तों, आज ज्योग्राफी की और पर्यावरण की जो कक्षा है वो मेरे द्वारा आज से कंटिन्यू की जा रही है। कल हमने एक इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ क्लासेस रखी थी, आपको कुछ चर्चा पर चर्चा हुई, कुछ बातें मैंने बताई। ओवरऑल पूरे भूगोल विषय के बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप भूगोल विषय को, ज्योग्राफी और पर्यावरण विषय को पढ़ सकते हैं, अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आज से क्वेश्चंस के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से हम एक प्रैक्टिस करेंगे। उस प्रैक्टिस में आप कंटिन्यू कुछ बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन भी पाएंगे। यानी कुल मिलाकर के मैं बात करूं तो मैं आपको प्रश्न और प्रश्नों के साथ उसका उत्तर, उसके ऑप्शंस और ऑप्शन से संबंधित अन्य सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। तो आज से हम शुरू करेंगे। आज हमारा रनिंग में प्रैक्टिस सेट का पहला क्लास है और डेली चलेगा, रेगुलर बेसिस पर सुबह 10 बजे से यह क्लास होगी, जिसमें आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ सकते हैं। आप सभी लोगों को सुबह का फिर से गुड मॉर्निंग है। तो अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग लाइव आ जाएं और इस सेशन को शुरुआत करते हैं, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है मेरे पास, सूचना है, जिसे मैं डिस्कस कर देता हूं। हमारे यहाँ ऑनलाइन कंटिन्यू कुछ क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सुबह 8 से 9 करेंट अफेयर्स की क्लास शीघ्र अतिशीघ्र शुरू होने वाली है। यानी 8 से 9 आप सुबह डेली करेंट अफेयर्स से अपडेट होंगे और यह करेंट अफेयर्स का जो अपडेशन है वो मेरे द्वारा ही करवाया जाएगा। साथ में 9 से 10 आपके संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का सेक्शन होगा, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित चीजों के बारे में आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। 10 से 11 मेरी क्लास, मैंने आपको बताया ही कि भूगोल और पर्यावरण से संबंधित प्रैक्टिस सेट आपको करवाया ही जा रहा है, इससे यह सब्जेक्ट कंटिन्यू चलेगा। इसके बाद 11 से 12 में साइंस और साइंस टेक से संबंधित, यानी जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान और समसामयिकी की जो साइंस टेक की घटनाक्रम है उससे संबंधित जो भी क्लासेस होंगी वो शीघ्र अतिशीघ्र आपके द्वारा यहाँ पर इसी चैनल पर प्रारंभ होगी। तो आप इस शेड्यूल को ध्यान रखिएगा, 8 से 9 करेंट अफेयर्स, 9 से 10 संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित चीजें, 10 से 11 भूगोल पर्यावरण और 11 से 12 साइंस और साइंस टेक से संबंधित चीजें होंगी। यह आपका शेड्यूल रहा। शाम की ऑनलाइन क्लास का जो हमारा शेड्यूल है, 6 से 7 में जनरल हिंदी और हिस्ट्री जो डॉक्टर वी के सर पढ़ाएंगे, इसके अलावा 7 से 9 में रीजनिंग और मैथ की क्लास होगी जो रवि सर और राजेश सर के द्वारा होगी, 9 से 10 में आपको इंग्लिश ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये तो हमारा ऑनलाइन शेड्यूल रहा क्लास का। इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और है कि बच्चों, अगर बात किया जाए तो आप लोगों के लिए हमारे यहाँ कुछ ऑफलाइन बैचेस और ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफलाइन बैचेस में अगर बात किया जाए तो एसएससी जनरल बैच यानी कॉमन बैच आपका चल रहा है, कंप्लीट बैच है हर एग्जाम के लिए, और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर यानी एक साथ प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से जो बच्चे ऑफलाइन ले रहे हैं उन सभी लोगों को 50% का ऑफ है। सारे कोर्सेज में अभी हमारे यहाँ 50% फीस में डिस्काउंट भी किया जा रहा है, और इस डिस्काउंट का लाभ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप उठा सकते हैं। ऑफलाइन बैच लेने वाले बच्चों को ऑनलाइन फ्री क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे वो घर पर फिर से रिवीजन कर सकें और क्लास का बेहतर फायदा उठा सकें। तो हमारे यहाँ एसएससी जनरल बैच का ऑफलाइन क्लास चल रहा है, जिसमें ऑनलाइन फ्री है, 50% फीस में ऑफ चल रहा है, और टारगेट बैच आपका कॉन्स्टेबल का भी चल रहा है, ऑफलाइन में शुरू किया गया है, नया बैच है, रनिंग पर है, एडमिशन स्टार्ट है, इसमें भी आपका 50% फी में ऑफ किया जा रहा है, और इसमें भी ऑफलाइन लेने वाले बच्चों को ऑनलाइन फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। साथ में बच्चों, रवि सर के द्वारा इंडिविजुअल रीजनिंग का ऑनलाइन क्लास शुरू किया गया है, जो जिसकी मात्र 999 फी है।
अगर 999C में आपको इंडिविजुअल ऑनलाइन रीजनिंग का कंप्लीट बैच है जिसे आप परचेज कर सकते हैं। साथ में ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी वहां से। और इसके अलावा ऐप प्ले स्टोर पर ऐप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आप अपना फी और कोर्स परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये है ही कुछ विशेष इंफॉर्मेशन जो आपके संदेश विद रवि सिंह के बैच में शुरू की गई है, क्लासेस शुरू की गई है। तो चलिए आते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। जैसा कि सामान्य रूप में मैंने आप सभी लोगों को बताया कि भूगोल और पर्यावरण विषय की यह कक्षा शुरू की जाएगी, यानी शुरू की जा रही है। आज से जो हमारा सेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट बैच है। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुधाकर सिंह है और मेरे द्वारा आपको भूगोल, पर्यावरण और करंट अफेयर्स और अन्य चीजें जो भी हैं बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कराई जाएंगे। आज प्रश्नों के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों में अगर बात किया जाए कैसे आप उन प्रश्नों को लेंगे। आज मैं ओरली आपके बोर्ड के सामने कुछ प्रश्न लिखूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर शीघ्र अतिशीघ्र देना है। मेरे प्रश्नों के साथ ही मैं आपके कमेंट देख भी रहा हूं, तो उस कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। पहला प्रश्न हमारा है, यानी अगर हम शुरुआत करें तो प्रश्नों की श्रृंखला में आपका पहला प्रश्न है, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है। रॉकी पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है। आप सभी लोग अगर जुड़े हैं तो आप सभी लोगों को आंसर भी देना है कि रॉकी पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है। आपका पहला प्रश्न है, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहां पर है, बताइए। ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो आपको ऑप्शन है यूएसए में, ऑप्शन बी है नॉर्थ अमेरिका में यानी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन सी है आपका साउथ अमेरिका में यानी दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन डी है आपका अफ्रीका में। बताइए बच्चों, आप सभी लोगों को बताना है कि रॉकी पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है। आपके ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा है उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है साउथ अमेरिका और चौथा ऑप्शन है अफ्रीका। बताइए, आप सभी लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, तुरंत कमेंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में आपको बताना है। चलिए, काफी आंसर आ चुके हैं, कई लोगों ने आंसर बढ़िया दिया है, बिल्कुल। अतुल कुमार जी ने आंसर दिया है, राहुल जी ने, अरविंद ने, ठीक है। और अगर बात किया जाए, नीरज ने भी सही आंसर दिया, इसका आंसर होगा बी, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में रॉकी पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है। और साथ में आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि यह जो पर्वत श्रृंखला है यह मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, That is a folded mountains, totally folded mountains, which is created by the Pacific Ocean on North American continent merger. यानी कुल मिलाकर के बात किया जाए तो ये प्रशांत महासागर और आपके उत्तरी अमेरिका के मर्ज या टकराने के कारण ही इसका जन्म हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे कैसी पर्वत श्रृंखला है, मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, लगभग 4,800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई यह पर्वत श्रृंखला है। कितनी लंबाई में फैली हुई है, 4,800 किलोमीटर की लंबाई पे फैली हुई है। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला का संबंध है उत्तरी अमेरिका से। काफी बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न का आंसर देने के लिए सभी लोग तैयार रहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक संख्या में आपके मित्र बंधु जुड़ सके मेरे साथ।
अगला आपका प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला का संबंध कहां से है? एंडीज पर्वत श्रृंखला का संबंध कहां से है, यानी यह कहां पर स्थित है? आपका आंसर है एंडीज पर्वत श्रृंखला का संबंध कहां से है। बिना ऑप्शन के भी अगर आप दे सकते हैं आंसर तो बिल्कुल देने का प्रयास करिए। आपके ऑप्शन में लिखने जा रहा हूं, ऑप्शन पर तेजी से ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है आपका यूरोप। आप सभी लोगों को बताना है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला का संबंध कहां से है या यह कहां पर स्थित है। बताइए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। लौकुश जी ने, अंकुश जी ने, अवनीश ने, शिवा तिवारी जी ने, काफी लोगों ने बढ़िया आंसर दिया। बिल्कुल यह है दक्षिण अमेरिका में, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है, साउथ अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की अगर मैं बात करूं तो अगर यह मैं दक्षिण अमेरिका का मैप बनाऊं तो आप ध्यान रखिएगा यह किनारे किनारे एक लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में आपके पश्चिमी किनारे पर एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। इस प्रकार से एंडीज पर्वत श्रृंखला की विशेषता क्या है, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। याद रखेंगे, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, आप सभी ध्यान रखेंगे कि यह आपकी यह भी मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, फोल्डेड माउंटेन्स है। किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, मोड़दार पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, याद रखेंगे। बिल्कुल, काफी बच्चों ने बढ़िया आंसर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो आपका दूसरा प्रश्न हुआ कि एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, राइट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला का संबंध किससे है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला का संबंध किससे है, यानी किस क्षेत्र से है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है? इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते हैं। आपका पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है एशिया और आपका चौथा लास्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी लोग बताएंगे कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहां पर है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स आदि भी संख्या में जुड़ सके। चलिए, आल्प्स पर्वत श्रृंखला की अगर बात किया जाए, आंसर दीजिए सभी लोग, फटाफट आंसर दीजिए, आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है? नीरज, अंकुश, अवनीश, ठीक है, सभी ने बढ़िया आंसर दिया। आल्प्स पर्वत श्रृंखला का संबंध है यूरोप से। कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको जानकारी बेहतर होगी लेकिन आंसर जरूर दीजिए। आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित है। यूरोप में अगर बात किया जाए तो प्रमुख रूप से फ्रांस, स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया,
यानी अगर बात किया जाए तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया आदि के क्षेत्र में फैली हुई, मिड में फैली हुई यह पर्वत श्रृंखला है, मध्य में फैली हुई है। स्विट्जरलैंड पूरा का पूरा तो इसी पर्वत श्रृंखला पर कहा जा सकता है कि लगभग बसा हुआ है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला पर ही। तो याद रखेंगे कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहाँ है, यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है और यह भी मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। कैसी पर्वत श्रृंखला है? मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला का संबंध किससे है, तो यूरोप से है, ठीक है। आपके अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया है, आपका चौथा प्रश्न है। अगर मैं बात करूं कोटापैक्सी कहिए या कोटोपैक्सी भी लिखा रहता है, कोटापैक्सी ज्वालामुखी चोटी का संबंध किस देश से है? कोटापैक्सी ज्वालामुखी चोटी का संबंध किस देश से है? तैयार हो जाइए ऑप्शन के लिए। कोटापैक्सी ज्वालामुखी चोटी का संबंध किस देश से है? ऑप्शन आ रहे हैं आपके। सबसे पहले पहला ऑप्शन है आपका यूएसए, दूसरा ऑप्शन है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है आपका इक्वाडोर और लास्ट ऑप्शन है आपका फ्रांस। बताइए कोटापैक्सी ज्वालामुखी चोटी का संबंध किस देश से है? आपके ऑप्शन है यूएसए, साउथ अफ्रीका, इक्वाडोर और फ्रांस। आप सभी को आंसर देना है, फटाफट आंसर दीजिए, बिना देरी किए हुए आंसर दीजिए। शिवा, सुमन, गौरव, हर्षित, ठीक है, सिद्धार्थ, सभी ने बढ़िया आंसर दिया। बिल्कुल कोटापैक्सी पर्वत चोटी आपके इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर की दो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं जिनका नाम आप दोनों का याद रखेंगे, बिल्कुल नहीं भूलना है। दोनों वॉल्केनिक पीक है, ज्वालामुखी चोटी है। फर्स्ट इज कोटापैक्सी, दूसरा चिम्बोराजो। कोटापैक्सी और चिम्बोराजो चोटी, पर्वत चोटी यानी ज्वालामुखी चोटी, दोनों की दोनों पर्वत चोटियां आपके इक्वाडोर में है। और इक्वाडोर में भी अगर मैं बात करूं तो यह दोनों पर्वत चोटियों का संबंध आपके एंडीज पर्वत श्रृंखला से है। किस पर्वत श्रृंखला से है? एंडीज पर्वत श्रृंखला से है, एंडीज माउंटेन से है। तो यह भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने बढ़िया आंसर दिया। अगर बात किया जाए तो कोटापैक्सी और चिम्बोराजो दोनों पर्वत चोटियों का संबंध एंडीज पर्वत श्रृंखला से है, ठीक है। बिल्कुल इसी जोश के साथ लगे रहना है, आप निश्चित रूप से अच्छा करेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि कोटापैक्सी और चिम्बोराजो दोनों कहाँ हैं? दोनों इक्वाडोर में हैं और एंडीज की प्रमुख चोटी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विश्व की सर्वाधिक या सबसे लंबी नदी कौन सी है? सर्वाधिक कहिए या सबसे कहिए, विश्व की सबसे लंबी नदी
आप सभी लोगों को बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन आपके आने वाले हैं, ऑप्शन के लिए एकदम तैयार हो जाइए। पहला ऑप्शन है आपका, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी। दूसरी दूसरा ऑप्शन है कांगो। तीसरा ऑप्शन है गंगा। और चौथा ऑप्शन है नील। आप सभी लोग बताइए, आपके ऑप्शन आपके सामने रहे, विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, कांगो, गंगा या नील, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्षित, सुमन, शिव, नीरज, विवेक, बहुत लोगों ने बढ़िया आंसर दिया। नील नदी, यानी विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अब अगर नील नदी की बात किया जाए तो आप यह भी ध्यान रखेंगे कि नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है, तो इसका संबंध है अफ्रीका महाद्वीप से। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। गंगा की अगर बात किया जाए तो एशिया महाद्वीप में है और भारत में, आप सभी लोग जानते ही हैं। कांगो की बात किया जाए तो कांगो नदी भी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। कहाँ बहती है? अफ्रीका में बहती है, प्रवाहित होती है। मिसिसिपी की बात करें तो यह यूएसए में प्रवाहित होती है। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका कहिए, नॉर्थ अमेरिका कहिए, या यूएसए में बहने वाली प्रमुख नदी है। तो नील नदी आपका आंसर हो जाएगा, जो अफ्रीका में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हैं, हो सकता है आप सभी लोग जान रहे हो, लेकिन एक बार देखिए, नील नदी की अगर बात किया जाए तो एक विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया लेक या विक्टोरिया झील है आपके अफ्रीका में, और विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है और निकल करके उत्तर की तरफ बहती है, जिसे हम कहते हैं श्वेत नील, व्हाइट नील। क्या नाम देते हैं दोस्तों? बच्चों याद रखिएगा, क्या नाम देते हैं? विक्टोरिया झील से निकलने वाली नदी को हम नाम देते हैं श्वेत नील या व्हाइट नील। और अफ्रीका में ही पूरब की तरफ एक उच्च भूमि क्षेत्र है जिसका नाम है इथियोपिया उच्च भूमि, इथियोपिया याद रखिएगा, इथियोपिया उच्च भूमि, हाईलैंड्स या उच्च भूमि। और इस उच्च भूमि से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्लू नील, यानी नीली नील, ब्लू नील नदी। और दोनों सूडान की राजधानी है खार्तूम। कौन सी जगह है? खार्तूम सूडान की राजधानी है, जहां दोनों मिल जाती हैं। कौन कौन सी? श्वेत नील मिल गई और ब्लू नील मिल गई। और दोनों मिलने के बाद जब आगे चलती हैं तब इस नदी का नाम होता है नील। अब आप समझ गए होंगे कि नील नदी का जन्म कैसे हुआ, नील नदी का निर्माण कैसे हुआ और कैसे वह आगे बढ़ती है। तो श्वेत नील, व्हाइट नील और ब्लू नील खार्तूम में जब मिले तब वो कहलाए नील। अब एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि नील नदी की मुख्य धारा कौन सी है, नील नदी की मेन स्ट्रीम कौन सी है। तो सभी लोग याद रखिएगा, नील नदी की आपकी मेन स्ट्रीम श्वेत नील होगी, व्हाइट नील होगी। और यह व्हाइट नील विक्टोरिया जलप्रपात या विक्टोरिया झील से निकलती है, इसीलिए विक्टोरिया इसका सोर्स माना जाता है। आगे जाकर के यह भूमध्य सागर में गिर जाती है और विश्व लंबी महत्वपूर्ण नदी के रूप में जानी जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन, ये पिक्चर दिमाग में बिठा लीजिए। पांच ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न है आपका, अमेजन नदी
अमेजन नदी कहाँ प्रवाहित होती है? अमेजन नदी कहाँ प्रवाहित होती है? सभी लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका दक्षिण अमेरिका में, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका में, तीसरा ऑप्शन है यूरोप में, और चौथा और लास्ट ऑप्शन है आपका एशिया में। बताइए अमेजन नदी कहां प्रवाहित होती है? आप सभी लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। बताइए। अनिल, शिव, हर्षित, शिवेश, नीरज, सुमन, रिया, ठीक है, बिल्कुल, या दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है। आप सभी ने बढ़िया आंसर दिया है, सही आंसर दिया है। दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है अमेजन नदी। अब अमेजन नदी निकलती कहां से है, इसकी विशेषता क्या है, थोड़ा सा जानते हैं। आपकी जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इसी एंडीज पर्वत श्रृंखला से इक्वाडोर और पेरू के क्षेत्र से, दो देश है वहां पर इक्वाडोर और पेरू, इक्वाडोर और पेरू के क्षेत्र से एक नदी निकलती है और जाकर के पूरब की तरफ बहते हुए आपके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इस नदी की अगर बात किया जाए तो यह नदी है आपकी अमेजन। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। अच्छा दोस्तों बताइए, अमेजॉन नाम से और कोई भी है, और कोई भी चीज है जिसका हम खरीदारी जैसी चीजों पर प्रयोग करते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अमेजन नदी आपके एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकल करके पूरब की तरफ बहती है और यह विश्व की सर्वाधिक चौड़ी नदी है। विश्व की सर्वाधिक चौड़ी नदी है। चौड़ाई के साथ साथ अगर बात किया जाए दोस्तों तो सबसे ज्यादा पानी भी इसमें है। बिल्कुल सुमन जी, आपने सही कहा, शॉपिंग पोर्टल है। अमेजन नाम से एक शॉपिंग पोर्टल भी है जिसके द्वारा हम खरीदारी आदि करते हैं। बिल्कुल सर्वाधिक, अब अमेजन नदी पर फोकस करिए। अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक चौड़ी नदी है और सबसे ज्यादा इसमें जल की उपलब्धता है। सबसे ज्यादा या अधिक जल भी इसी नदी पर पाया जाता है। हालांकि इस पर मैंने कल की क्लास में भी चर्चा किया था। आपको बता दें एनाकोंडा जैसे जीव इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, अमेजन के क्षेत्र में। सबसे ज्यादा इसकी सहायक नदियां भी हैं, ये भी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा सहायक नदियां भी इसी की हैं, अमेजन की, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जैक्टली आपको यह भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक सहायक नदियां भी आपकी अमेजन की हैं। एग्जैक्टली तो यह भी सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सर्वाधिक चौड़ी नदी है, सबसे ज्यादा जल उपलब्ध है और सर्वाधिक सहायक नदियां भी आपकी अमेजन की हैं। क्लियर, गुड, बहुत लोगों ने बढ़िया आंसर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न है पटागोनिया का पठार। अगले प्रश्न पर आइए, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटागोनिया मरुस्थल हो गया है अब, हालांकि मरुस्थल ही कह लीजिए, पटागोनिया मरुस्थल कहां पर स्थित है? पटागोनिया का मरुस्थल कहां पर स्थित है? बताइए। चलिए ऑप्शन पर आते हैं। पहला ऑप्शन ब्राजील,
सेकेंड ऑप्शन पेरू, सी ऑप्शन अर्जेंटीना, डी ऑप्शन कांगो। बताइए आप सभी लोग बताइए, पैटागोनिया का मरुस्थल कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना, कांगो। सभी लोगों को बताना है। सिद्धार्थ, अनिल, नीरज, सुमन, सावनी। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग। एग्जैक्टली। अगर हम पैटागोनिया के मरुस्थल की बात करें तो यह आपके अर्जेंटीना में स्थित है। दोस्तों कई लोगों ने लिखा है कि चिली में, याद रखिएगा कि चिली में पैटागोनिया मरुस्थल का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला लगभग लगभग अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है, तो इसलिए उसके हिस्से में इसको ऐसे समझिएगा कि ये आपके एंडीज पर्वत श्रृंखला है, तो चिली का रीजन इधर आ जाता है और अर्जेंटीना का इधर। अब पटागोनिया का मरुस्थल यहीं पर स्थित है। अल्प के बराबर ना के बराबर क्षेत्र कभी कहीं थोड़ा बहुत स्थित हो तो अलग मुद्दा है, लेकिन सामान्य रूप में इसे हम अर्जेंटीना ही मान के चलेंगे। 100% लगभग लगभग 99% आप मान के चलो कि अर्जेंटीना आपका कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, तो चिली नहीं रखिएगा दिमाग में, आप सभी लोग अर्जेंटीना ही रखिएगा। पटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना में स्थित है। अब इसकी विशेषता क्या है? पहले यह पूरी तरीके से पठार था, धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन हुआ, आपके वेदर में परिवर्तन हुआ, चीजें बदलती रहीं और आज वह मरुस्थल के रूप में बदल चुका है। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो आज यह मरुस्थलीय क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात है, मरुस्थली या पठारी क्षेत्र का यह मतलब हुआ कि जहां पर उत्पादन क्षेत्र ना के बराबर हो रहा हो, यानी फर्टिलाइजेशन बिल्कुल ना हो, यह ध्यान रखिएगा। और यह किस प्रकार का मरुस्थल है यह बताइए, तो याद रखिएगा यह गिरपदीय मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? गिरपदीय। यह विशेष रूप से आप सभी लोगों को याद रखना है। कैसा मरुस्थल है? गिरपदीय मरुस्थल है। गिरपदीय मरुस्थल का क्या मतलब हुआ कि यह पर्वत के गिर कहिए या गिरी कहिए, माने पर्वत होता है। पद का मतलब होता है पैर, यानी पर्वत के पैर की तरफ स्थित। अब पर्वत का पैर तो हो नहीं सकता भाई, पर्वत आदमी का पैर होगा, जीव जंतु का पैर होगा, पर्वत का पैर कैसे होगा? तो पर्वत के पैर का मतलब है कि पर्वत का दक्षिणी हिस्सा, याद रखिएगा। पर्वत के पैर का मतलब हुआ पर्वत का दक्षिणी हिस्सा। तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली है, इस पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है, एंडीज के दक्षिणी हिस्से में है, इसीलिए इसे आप क्या क्या कहा जाता है? गिरपदीय मरुस्थल या पठार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, सभी लोग ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस, अगला प्रश्न है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला कहां पर मौजूद है, कहां पर स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर, तुरंत ऑप्शन देना है। 5 करोड़ वाला प्रश्न है, यानी 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है अगर इसका आंसर दिया तो।
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन न्यूजीलैंड, तीसरा ऑप्शन इजिप्ट, और चौथा ऑप्शन आपका इंडिया। बताइए आपके पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड अर्थात। सभी लोग बताइए, याद रखना है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, बहुत लोगों ने बढ़िया आंसर दिया है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऐसे समझिए यह पूरब का जो हिस्सा, यहीं पर आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मौजूद है, ठीक है। तो यह क्या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पर है, यह भी याद रखिएगा, जो एक महत्वपूर्ण मोड़दार पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, ठीक है। काफी लोगों ने बढ़िया आंसर दिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चलिए शुरुआत करते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अब सभी लोगों को इसका आंसर देना है। पहला ऑप्शन लीजिए गंगा, दूसरा ऑप्शन लीजिए सिंधु, जिसे इंडस कहते हैं सिंधु, तीसरा ऑप्शन लीजिए ब्रह्मपुत्रा यानी ब्रह्मपुत्र नदी, और चौथा ऑप्शन लीजिए गोदावरी। बताइए भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, सिंधु या इंडस, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र, और चौथा ऑप्शन है गोदावरी। शिवेश, सुमन, सौरभ, गौरव, नितेश, सभी ने बढ़िया आंसर दिया, शालू, सभी ने ब्रह्मपुत्र ऑप्शन बताया है, बिल्कुल एकदम सही है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। इसमें अगर बात किया जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है आपके तिब्बत से। कहां से? तिब्बत से। तिब्बत से ही ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। जब इसका उद्गम होता है तिब्बत से, तो निकलने के क्रम में यह हिमालय के पैरेलल अरुणाचल प्रदेश तक बहती है, समानांतर अरुणाचल प्रदेश तक, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, और यहां पर इसे सांपो या सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो या सांपो के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में यह एक गॉर्ज या बनाते हुए प्रवेश करती है, जिसे दिहांग के नाम से जानते हैं, और फिर जब असम के क्षेत्र में आती है, असम के क्षेत्र में आती है, तब इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है। तो याद रखिएगा यही ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है, और इसमें सबसे ज्यादा पानी है दोस्तों,
याद रखिएगा मित्रों कि इसमें सबसे ज्यादा बच्चों पानी है, सर्वाधिक जल वाली भी नदी है, सर्वाधिक पानी की उपलब्धता भी इसमें है। इसी के अंदर आप सभी लोगों के लिए एक प्रश्न है कि इस ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई द्वीप स्थित है, बताइए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, इस ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई द्वीप स्थित है, फटाफट बताइए, अगर जानकारी है तो बताइए। एग्जैक्टली सभी लोग आंसर दीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा द्वीप है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। आप सभी लोग बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा द्वीप है, अगर जानकारी है तो बताइए। श्रवण, श्रवण ने आंसर दिया है माजुली, बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत सही, बढ़िया। इस पर है मंजुली द्वीप, जो वर्तमान में असम का जिला भी घोषित किया जा चुका है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर मंजुली द्वीप स्थित है, जो नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मंजुली द्वीप। तो यह भी आप सभी लोग याद रखेंगे कि मंजुली द्वीप का संबंध ब्रह्मपुत्र नदी से है, किससे है, ब्रह्मपुत्र नदी से है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, बहुत लोगों ने बढ़िया आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। बताइए, ऑप्शन पे आइए। पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा और चौथा ऑप्शन है आपका कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। संभल कर कमेंट करिएगा एकदम, बहुत ध्यान से कमेंट करना है, गलत कमेंट नहीं आना चाहिए, ध्यान से विचार करिएगा। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। बच्चों आप सभी लोग, लगभग सभी लोग, अभी तक मैं कमेंट देख रहा हूं आपका, सबने गोदावरी बता रखा है। आप सबका यह मानना है कि दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को नहीं कहा जाता है। बच्चों सभी का यही कमेंट आ रहा है, कंटिन्यू, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अब आप सब लोगों को लग रहा होगा, कैसे सर, हमने तो यही किताबों में पढ़ा है या किसी ने पढ़ाया होगा, जैसा भी रहा, लेकिन एकदम 100% सही इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, अच्छा एक भाई साहब है, उन्होंने कमेंट लास्ट में सही किया है, लेकिन याद रखिएगा, आप सब सोच रहे होंगे कि कावेरी को क्यों कहा जाता है। पहले गोदावरी की बात कर लेते हैं, गोदावरी को हम ओल्ड गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं, एकदम बिल्कुल सभी लोग याद रखिएगा बच्चों कि वृद्ध गंगा के नाम से हम गोदावरी को जानते हैं,
बूढ़ी गंगा कहो या वृद्ध गंगा कहो, तो वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहते हैं। आज ही एकदम सही इंफॉर्मेशन आप सभी लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि अगर बात करें कि दक्षिण भारत की गंगा प्रश्न आए तो आप कावेरी लगाइएगा। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी सही आंसर माना हुआ आंसर है, और इसके अलावा ऑथेंटिक बुक्स में भी अगर आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, जबकि वृद्ध गंगा हम गोदावरी को कहते हैं। दोनों इंफॉर्मेशन अलग है, दोनों बातें ठीक है, अब याद रखेंगे। गुड। अब देखिए, कावेरी की अगर बात करें तो कावेरी को हम साउथ की गंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपकी गंगा, और गंगा सबसे महत्वपूर्ण नदी होने के साथ साथ उत्तर भारत की जीवन रेखा भी कहलाती है, लाइफलाइन है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक कृषि और अन्य चीजों का क्षेत्र इसी से, क्योंकि उत्तराखंड से निकलने के बाद सीधे हरिद्वार के बाद जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो कृषि प्रणाली का जीवन आधार है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद थोड़ा सा आपका उत्तराखंड का रीजन, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, और इससे जुड़ने वाली सहायक नदियां भी हैं, तो बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बन जाता है, अपवाह क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मैप बना के बता दूं, समझिए, ये उत्तराखंड का रीजन है, उत्तराखंड से आपकी गंगा यूं निकलती है और निकल करके आपके हरिद्वार के बाद यह प्रवेश करती है मैदान में। हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश में कानपुर, आपके प्रयागराज, वाराणसी होते हुए पटना होते हुए ये भागलपुर और फरक्का तक जाती है। फरक्का पश्चिम बंगाल में एक जगह है, वेस्ट बंगाल में फरक्का में यह दो भागों में बंटती है, एक दक्षिण जाती है जिसका नाम है हुगली, और एक चली जाती है बांग्लादेश शाखा जिसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप देखिए फरक्का तक, तो यह एक लंबा क्षेत्र हो जाता है, इससे मिलने वाली रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इधर से आएंगे तो यमुना, सोन, टोंस, ये सारी नदियां इससे मिलती हैं, और इनके मिलने से एक बड़ा लंबा और बड़ा विस्तृत अपवाह क्षेत्र बनता है। इसे कहते हैं अपवाह क्षेत्र, जो भारत की, उत्तर भारत की कृषि प्रणाली के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी कारण से इसकी तुलना किया जाता है दक्षिण भारत की नदियों से। और एक चीज और जानिए, एक शब्द होता है सदा नीरा। सदा नीरा का मतलब होता है हमेशा जिसमें नीर उपलब्ध हो, नीर माने होता है जल, यानी ऐसी नदी जिसमें हमेशा पूरे साल भर पानी उपलब्ध होता है। और साल भर पानी किसमें उपलब्ध होगा? जिसमें गर्मी में भी सूखने की क्षमता ना हो, यानी उत्तर भारत की नदियां सदा नीरा हैं। क्यों सदा नीरा हैं? क्योंकि ग्लेशियर से या बर्फ से इन्हें पानी मिलता है, गर्मी में भी बर्फ पिघलती है तो पानी आ जाता है नदियों में, लेकिन दक्षिण भारत की नदियां सदा नीरा नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत की नदियां वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं, बरसात से पानी मिलती है, यानी और बरसात केवल आपके चार महीने होती है। वर्षा से पानी मिल गया, ठंडी तक चलता रहा, गर्मी आते आते वो नदियां सूख जाती हैं। यही कारण है कि दक्षिण भारत में डैम बनाया जा रहा है, और डैम बना करके बारिश को, पानी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे गर्मी में भी उन नदियों में पानी डाला जा सके। लेकिन एक नदी ऐसी है जो पूरे साल भर बहती है दक्षिण में, और वह नदी है कावेरी। कौन सी नदी है दक्षिण भारत की जिसमें साल भर पानी रहता है? अगली इंफॉर्मेशन आपके लिए, कावेरी नदी ही अकेली नदी है जिसमें साल भर पानी रहता है, और इसीलिए इसकी तुलना हम करते हैं गंगा से। दक्षिण भारत की गंगा इसीलिए कावेरी को कहा जाता है। अब आप, अगला प्रश्न आपका ये होना चाहिए,
कि सर दक्षिण भारत में तो कोई ग्लेशियर है ही नहीं, इसे पानी कहां से मिलता है? तो मानसून पर आते हैं। मानसून की बात करोगे तो एक तो मानसून होता है जब बारिश ऋतु में गर्मी के बाद आता है, जिसे हम दक्षिण पश्चिम का मानसून कहते हैं, जो पूरे भारत में वर्षा करता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा से। जब मानसून कभी पढ़ेंगे तो जानेंगे। लेकिन जब ये ठंडी ऋतु आती है तो यही मानसून लौटता हुआ मानसून कहलाता है, रिट्रीटिंग मानसून कहलाता है। और लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है और गर्मी के बाद ठंडी में भी कावेरी नदी को उससे पानी मिल जाता है, जो गर्मी तक चल जाता है। तो दो बार बारिश से पानी मिला किस नदी को? कावेरी नदी को। और इसीलिए कावेरी नदी में पूरे साल भर पानी रहता है। क्लियर है? एग्जैक्टली। तो इसी कारण से इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। सभी लोग समझ गए? हाँ या ना में कमेंट बॉक्स में बताइए, क्लियर हुआ या नहीं। आज से एकदम गलत इंफॉर्मेशन दिमाग में नहीं होना चाहिए। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, वृद्ध गंगा गोदावरी। क्यों? मैंने आपको बताया। बताइए क्लियर हुआ? गुड, क्लियर हो गया ना? बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लूनी नदी कहां प्रवाहित होती है? कहां प्रवाहित होती है? आपका ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। बताइए, लूनी नदी कहां प्रवाहित होती है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिवा, अनिल, सुमन, सौरभ, ठीक है, हर्षित, सभी ने बढ़िया आंसर दिया। बिल्कुल, लूनी नदी का संबंध है राजस्थान से। राजस्थान में प्रवाहित होती है लूनी नदी। आपको पता है कल हमने चर्चा भी किया था कि राजस्थान के रीजन में ही अरावली श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, और इसी अरावली पर्वत श्रृंखला से लूनी नदी निकलती है, निकल करके राजस्थान में ही प्रवाहित होती है और रन ऑफ कच्छ, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी सागर तक या खाड़ी तक नहीं पहुंचती है, जमीन में ही निकल करके दलदली क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। तो लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो स्थल खंड में ही समाप्त होती है। रन कच्छ कारण में, रन ऑफ कच्छ बोलते हैं, कच्छ कारण, कच्छ कारण में ये समाप्त हो जाती है। तो लूनी नदी स्थल खंड में ही समाप्त होने वाली प्रमुख नदी है। तो बच्चों, ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा रही और मुझे लगता है आप सभी लोगों ने एंजॉय भी किया होगा और मजा भी आया होगा। और कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए, कुछ इंफॉर्मेशन भी प्रश्नों के माध्यम से मिली हुई होगी। अगले वीडियो में, यानी अगली क्लास, कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में 10 बजे हम फिर से मिलेंगे और आपकी प्रिंटेड प्रश्नों के साथ मिलेंगे, उस पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों। साथ में एक चीज और कहूंगा कि हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है, जीत आपकी सुनिश्चित है। जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, अगर हम दमखम से लग जाएं तो हमें कोई हराने वाला नहीं है। तो बाय बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे, गुड लक, फिर मिलते हैं शीघ्र ही।